बीजेपी करेगी अब गैर जाटों पर फोकस। कुशल चौटाला को किनारा कर जाटों को दिया संदेश। ओबीसी नेता नायब सिंह सैनी को बनाया हरियाणा का चीफ मिनिस्टर। 2019 में पूर्ण बहुमत हासिल करने में चूक जाने के कारण दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी से गठबंधन कर हरियाणा में सरकार बनाने वाली भाजपा अब 2014 की तरह राज्य में गैर जाट राजनीति की तरफ लौटने का मन बना चुकी है, जिसके लिए बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले जेजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। लोकसभा सीटों की वजह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी में तनातनी बढ़ गई थी। जेजेपी का कहना है कि वह सभी 10 लोकसभा सीटों और 90 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कुछ दिन पहले ही बड़े जाट नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने बेटे ब्रिजेंद्र सिंह के साथ बीजेपी को अलविदा कह कांग्रेस में शामिल हो गए। खबरों के मुताबिक राज्य में बीजेपी ने नई कवायद शुरू कर दी है। इस वीडियो में आपको बीजेपी की गैर जाट राजनीति के फैसले पर विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी ने सही किया या गलत। और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बीजेपी करेगी अब गैर जाटों पर फोकस। 2019 में भाजपा गैर जाटों के वोटों के आधार पर सत्ता में आई थी। मौजूदा हालात में जाट वोट बैंक पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर जजपा और भाजपा का गठबंधन रहता तो गैर जाट वोट बैंक में सेंध लगाना मुश्किल था। इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता था। प्रदेश में जाट वोटर भाजपा से नाराज चल रहे हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अगर भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़ती है तो उसे गैर जाटों का बड़ा समर्थन हासिल हो सकता है। दूसरी तरफ जाट वोटर कांग्रेस जजपा और इनेलो में विभाजित हो जाएंगे। इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। यही वजह है कि अब लोकसभा चुनाव की दहलीज पर भाजपा ने जजपा से गठबंधन तोड़ने की बात कही है। भाजपा हरियाणा की राजनीति में चार बड़े वोट बैंक यानी पंजाबी, बिश्नोई, पिछड़ा और ब्राह्मण वोट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्यों टूटा बीजेपी जेजेपी गठबंधन? दरअसल राज्य में बीजेपी के साझेदार जेजेपी लोकसभा की एक सीट की मांग कर रही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी एक सीट भी जेजेपी को नहीं देना चाहती थी। जेजेपी के सरकार से बाहर होने के बाद विधानसभा में नंबर गेम समझिए। बीजेपी 41, बीजेपी के साथ निर्दलीय 6, हरियाणा लोकहित पार्टी 1, जेजेपी 10, निर्दलीय 1, इंडियन नेशनल लोकदल 1, कांग्रेस 30। जेजेपी के अलग होने पर बीजेपी के पास 48 विधायकों का समर्थन है। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है।